ऐसे लोग इस देश में हैं और वर्षों से वैसे ही लोग राजनीति कर रहे थे, उन लोगों के हाथों में देश था, इसलिए आगामी चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने जन आधार और संगठनात्मक मजबूती के तहत पार्टी में लोगों का जुड़ाव करता आ रहा है। इसी के तहत राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और भाजपा के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी के समक्ष दूसरे दल छोड़कर आए सैकड़ों सदस्यों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा में शामिल होने वाले इस नवीन सूची में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन, बड़कागांव विधानसभा की पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी अंजू देवी और रांची के बूढ़मू के आरजेडी नेता हरदेव साहू अग्रणी है, जिन्हें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी के अंदर पार्टी का पटा पहनकर स्वागत किया। मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि क्षेत्र में जाकर केंद्रीय योजनाओं के लाभ भारतीयों से संपर्क करें और उनसे समर्थन का आग्रह करें। देश में है और वर्षों से वैसे ही लोग राजनीति कर रहे थे, उन लोगों के हाथों में देश था, इसलिए उनके प्रत्याशी रही श्रीमती अंजू देवी जी और यहाँ उपस्थित बंधु और बहने और प्रेस के साथियों, क्षेत्रों में एनडीए गठबंधन ने प्रत्याशी तय कर दिया, पार्टी के कार्यकर्ता काम में भी लग गए, प्रत्याशी लोग घूम भी रहे हैं, लेकिन बाकी लोग अभी क्या कर रहे हैं, कौन लड़ सकता है, उस पर किसको उतारा जाए बैटिंग करने के लिए, तैयारी नहीं कर पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है, क्योंकि वो लोग सिर्फ चुनाव के लिए राजनीति करते हैं, पैसे के लिए राजनीति करते हैं, उनके लिए राजनीति तो सिर्फ पैसे बटोरने का साधन मात्र है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए राजनीति साधन एक क्या है, सेवा के लिए मात्र साधन है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है, 365 दिन काम करती है और जनता की सेवा के लिए पार्टी के एक एक कार्यकर्ता समर्पित रहते हैं। चाहे लोग दुनिया भर से, हम भारत की क्या हालत थी, और कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जो हम सब लोग अभी जय श्री राम की नारा भी लगाए, जय श्री राम के नारा से भी लोगों को चीड़, वैसे भी उस एनडीए अलायंस के गठबंधन में ऐसे भी नेता है जो कहता है सनातन को समूल नष्ट करना है, उसकी तुलना मच्छरों से करते हैं, मक्खी से करते हैं, यानी आप जरा सोचिए कैसे कैसे लोग इस देश में राजनीति कर रहे थे, आज वो लोग सब सामने आ रहे हैं, उजागर हो रहा है, अब इसलिए वो सारे लोग आज परेशान है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने तो 10 वर्षों के अंदर में इस देश की मान और सम्मान को, इस देश की प्रगति को दुनिया के नक्शे पर उन्होंने पहुंचा दिया। आज दुनिया के लोग भारत की ओर देख रहे हैं, भारत पे हम सबको सावधान, और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, क्योंकि आज उन जिन लोगों की आज दुकानें बंद कर रहे हैं मोदी जी, उन लोगों ने लूटने का काम किया तो उसका तो भुगत नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं बीजेपी वाले परेशान कर, ईडी क्या बोलते हैं सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, भाई इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ, जो जैसा करते हैं वैसा वो फल भोगते। अब इस राज्य में हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री थे, इतना बार उनको ईडी वाले नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं, अगर आपने कोई चोरी नहीं किया, आपने गड़बड़ नहीं किया तो भाग क्यों रहे थे, आप हाजिर हो जाते, लेकिन उन्होंने चोरी किया, छुप डर रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे, कब तक भागोगे। तो आज वो जेल में बंद है, तो कहता है इसको फंसाया गया, भाई फंसाया तो आप चले जाओ जेल,
लोग कहते बीजेपी वालों को क्यों नहीं होता है, भाई बीजेपी अगर गड़बड़ किया है तो आपके पास पूरी प्रमाण है तो कोर्ट जाइए, जांच करा करके अब उसको जेल में डलवाइए, किसने आपको रोका है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि भाई आज आप सब इतनी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के योगदान किए, आज सब यहाँ से जाएंगे, क्षेत्र में बाकी काम तो आप सब लोग को देंगे, लेकिन मैं आपको एक काम दे करके यहाँ से भेजता हूँ, आप सब लोग उस काम को करेंगे तो तीसरा बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था तीसरा स्थान पर पहुंचेगा, यानी भारत के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बनेगा। ये कैसे संभव? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार आप देखेंगे बिना छुट्टी, कभी भी 10 वर्षों में उन्होंने छुट्टी नहीं लिया, लगातार इस देश के लिए, देशवासियों के लिए, देश के विकास के लिए काम करते हैं। और उन्होंने क्या कहा है कि 2047 तक जब भारत आजादी का 100वां वर्ष जब मनाएगी तो भारत विकसित भारत होगा। जो विकसित भारत की जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं तो विकसित भारत का मतलब क्या होता है कि हर जो देशवासियों को जो जरूरतें, न्यूनतम जो जरूरतें हैं वो सबको सहजता से, सरलता से वो उपलब्ध हो। वो न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है? भोजन है, वस्त्र है, आवास है, बीमार हो तो दवा है, और बच्चों की पढ़ाई की सुविधा। आज आप देखेंगे कि इस देश के अंदर में किस प्रकार से गरीबों के लिए देश के प्रधानमंत्री आवास भी बना रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास, गरीबों के घरों में शौचालय भी बन रहा है। गरीब आजाद में यहाँ भारतीय जनता पार्टी में योगदान किए हैं, उसके लिए मैं आप सब लोगों को पार्टी में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आप सब लोगों को मैं बधाई और धन्यवाद अर्पित करता हूँ। क्योंकि आप सब ने जिस उत्साह के साथ, जोश खरोश के साथ आप सब आज पार्टी में योगदान किए हैं, तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, जो नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि 400 बार और अब की बार फिर से मोदी सरकार, तो वो निश्चित रूप से, और झारखंड में जो 14 लोकसभा सीटें हैं वो 14 के 14 लोकसभा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के झोली में होगी, भारतीय जनता पार्टी को समर्पित रहेगी। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं कि आज किस प्रकार से देश की हालत है, क्या परिस्थिति है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी हम सब लोगों ने नारा लगाया भारत माता की जय, लेकिन आज देश में एनडीए अलायंस के जो नेता हैं, एनडीए अलायंस के जो नेता है उसको भारत माता की जय कहने से भी चिढ़ होता है, यानी भारत की जय जयकार दुनिया में हो उससे भी वो पसंद नहीं है। आप जरा सोचिए भाई, कौन भारतवासी होंगे जो भारत की जय जयकार हो संसार में कौन पसंद नहीं करेगा? वही पसंद नहीं करेगा जो हिंदुस्तान को अपना देश नहीं मानता है, भारत को अपना, भारत माता को अपना माँ नहीं मानता है, और भारत के जो सपूत है उनको अपना परिवार नहीं मानता है। वैसे नेता आज देश के अंदर में जो इंडी एलायंस का वो नेतृत्व कर रहे, और इसलिए खुले आम एक दिन मैं देख रहा था कि काम क्या है, बैठ जाओ आप नीचे करो, काम इतना ही है कि अब तो चुनाव आ रहा है, हमें घर घर जाकर लोगों से संपर्क करना, और लोगों से आप जब घर घर संपर्क करेंगे, लाभार्थियों से संपर्क करना, लाभार्थी यानी देश की केंद्र सरकार की जो योजनाओं का लाभ जिन लोगों ने ले रहे हैं सबको मिला है किसी ना किसी रूप, अब उनसे जब आप संपर्क करेंगे तो आप निश्चित रूप से आप उनसे जिनको गैस मिला है, जिसको आयुष्मान कार्ड मिला है, किसी को प्रधानमंत्री आवास मिला है, किसी को शौचालय मिला है, किसी को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, ऐसे अनेक प्रकार की योजनाएं, किसी को जो प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज मिल रहा है मुफ्त में, तो ऐसे सभी लोगों से संपर्क करके और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नमस्कार उनको बोलना,
और आने वाला चुनाव में कमल निशान पर वोट करे, ये आप उनसे कहना, यही निवेदन करना। और साथ ही उनसे एक बार मिस कॉल कराना, आपको बता देंगे लोग। और उसके साथ साथ आपको क्या करना, उनसे आप फोटो खिंचवा करके आप फिर उसको सरल ऐप में, नमो ऐप में उसको अपलोड कर देना, ताकि आप उन लोगों के साथ आप जोड़ पाएंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसको देख पाएंगे। तो इसलिए मैंने आप सब लोगों से कहा कि आप यहाँ से जाएंगे तो आपको ये चुनाव का समय है, तो एक एक परिवार से संपर्क करना, एक एक परिवार से मिल करके कमल निशान पर वोट डालने के लिए लोगों को प्रेरित करना। यही निवेदन और यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। फिर से आप सबको अपोजिशन के लोग किस प्रकार से आज विरोध कर रहे हैं, मोदी जी को रोकना है, कैसे दोष प्रचार करते, आप प्रचार करते, कहते हैं कि भाई बीजेपी आएगी तो संविधान को बदल देगी। भाई आप जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई इस देश के, और एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हमारे लिए संविधान कोई धर्म ग्रंथ से कम नहीं है। हम उसको पूछते हैं, उसके सम्मान करते हैं। अगर इस देश में कांग्रेस पार्टी ने तो 50-55 साल तक राज किया, तो 80 से अधिक बार उन्होंने उस संविधान की संशोधन भी किया। और वो लोग बीजेपी के ऊपर बोलते हैं, बीजेपी तो संविधान की सम्मान करते हैं, उसकी आदर करते हैं। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों किस प्रकार से वो लोग दुष्प्रचार करते हैं। वो लोग गांव-गांव में जाकर के क्या बोलते हैं, बीजेपी की सरकार आएगी तो आदिवासियों की, गरीबों की जमीन छीन लेंगे। कितनी निर्लज्जता से वो लोग बात करते हैं। वास्तविकता क्या है, अगर आज इस झारखंड प्रदेश को ही देखेंगे, झारखंड राज बनने के बाद भी इस प्रदेश के अंदर में 13 वर्षों तक बीजेपी की सरकार रही है। हम भी मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस भाई क्या कहते हैं, अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री रहे, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहे हैं, कहीं बता दीजिए किसी का कोई जमीन छीना हो। लेकिन कांग्रेस के राज में तो इस राज से लोगों को उजाड़ा गया है, उनको आज तक न्याय नहीं मिला, भटकते रहते हैं बेचारे।
चाहे एचईसी हो, चाहे बोकारो हो, चाहे सीसीएल हो, चाहे बीसीसीएल के क्षेत्र में हो, किसने उजाड़ा था? कोई बीजेपी के मोदी जी की सरकार ने नहीं उजाड़ी थी, कोई अर्जुन मुंडा की सरकार ने नहीं उजाड़ी थी, रघुवर दास जी की सरकार ने नहीं उजाड़ी थी, बाबूलाल मांडी की सरकार ने नहीं उजाड़ी थी, ये कांग्रेस के लोगों ने उजाड़ा था लोगों को। और आज वो लोग बीजेपी के ऊपर करते हैं। आज भी अगर जमीन को लूट लूट करके आप बाकी की छोड़ दीजिए, मिलिट्री की भी जमीन को हेमंत सोरेन की सरकार ने तो प्राइवेट के हाथों बेच दिया, उसमें भी जालसाजी करके। आदिवासियों की जमीन को भी नाम बदल बदल करके उन्होंने औने पौने दाम पर खरीदा। तो फिर ये लोग कहते हैं बीजेपी के ऊपर, ये बीजेपी वाले आएंगे तो जमीन छीन लेंगे। कभी कहते हैं कि ईसाई और मुसलमानों के विरोधी है। भाई भारतीय जनता पार्टी के कहते कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। केंद्र सरकार के जितनी भी योजनाएं हैं बिना भेदभाव किए सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से मिला है। चाहे आज भी गरीबों को अनाज मिलता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। अरे भैया वो निशिकांत जी से पूछो, हमारे बारे में निशिकांत जी क्या ट्वीट किया, हम तो क्या पूछ रहे। अरे उसके बारे में निशिकांत जी से पूछो, कोटा में है वो, ठीक है, या देवघर में होंगे। सीएसडीएस का एक सर्वे आया है, क्या सीएसडीएस एक जो सर्वे कंपनी है, उसने कहा कि बेरोजगारी इस देश में 27% से भी ज्यादा हो गई है और इस चुनाव में वो बहुत ही गंभीर मुद्दा हो, क्या कहेंगे? देखिए पहली बात तो मैं कहूँगा कि बेरोजगारी आज की समस्या नहीं है, पहले से, और जितना है जिस प्रकार से वो लोग कह रहे हैं वैसा स्थिति नहीं है बेरोजगारी की। बेरोजगारी है, पहले भी था और आगे भी रहने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से मोदी सरकार ने, मोदी जी ने जितना जो डेवलपमेंट का काम इस देश में हो रहा है वो रोजगार ही तो सृजित कर रहे हैं। चाहे रोड कनेक्टिविटी हो रहा है, एयर कनेक्टिविटी हो रहा है, हर क्षेत्रों में अगर आप देखें तो काम और काम रोज चल रहा है। फिर रेहड़ी वाले, पेटरियों को, ये क्या बोलते हैं, पटरी वाले, उन सारे लोगों को विदाउट गारंटी लोगों को पूंजी उपलब्ध कराई गई, रोजगार कर रहे हैं, वो भी थोड़ा मोड़ा संख्या नहीं है, 27 करोड़ से भी अधिक के लोग, तो ये भी तो रोजगार ही सृजित हो गया। अब रही बात कि हर कोई सरकारी नौकरी चाहते हैं तो सरकारी नौकरी तो या ऑर्गेनाइज सेक्टर में मात्र 4% ही होता है, शेष तो बाकी सेक्टर में ही लोग जॉब करते हैं। तो वो पहले भी बना हुआ था, आगे भी बना रहेगा सरकारी जॉब के लिए, लेकिन बाकी रोजगार के जितनी अवसर है मोदी सरकार ने उन सारे द्वारों को खोल दिया। अगर मैं आपको यहीं के बारे में बताऊं, पहले आप देखते थे लोग टमाटर को फेंक देते थे, किसानों को उचित दाम नहीं मिलता, लेकिन आप फेंकते हुए आप नहीं देखते होंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अधिक बन गया है, आप कोई भी लोग पैदा करता है तो बाहर यहाँ से सप्लाई कर देता है, उन किसानों को आप मिल जाता है दाम। तो सरकार का काम यही करना है, फैसिलिटेट करना है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड स्तर का हमें बनाना। इसलिए आप देख रहे होंगे क्या बोलते हैं, एयर कनेक्टिविटी भी, भाई आप यहाँ पैदा करिए, 2 घंटा में दिल्ली पहुँचा दीजिए, दिल्ली से 2 घंटा के बाद 6 घंटा में यूरोप पहुँच जाएगा सेम डे। तो ये सब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, नौजवानों को भी स्किल्ड कर रहे हैं, मजबूत रूप से स्किल्ड हो जाए, ताकि स्किल्ड होते हैं तो वो अच्छा काम कर सकते हैं। आपने देखा कि इजराइल में 10,000 लोगों की डिमांड थी। तो कहने का अर्थ है कि दुनिया में रोजगार के अवसर, नए नए अवसर सृजित हो रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री अरे यही तो करोड़ों लोगों की मैंने बताया फेल कैसे हो गया। आज मैं बताऊं कि आप लोग कैसे, इस साल तो धान भी लोगों ने नहीं रोपा था और मैं घूमता रहा था, मैं लोगों को कहता हूं कि भाई देखो आप मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो लोग कितना निश्चिंत है, कभी लोगों ने नहीं कहा कि भाई हम लोगों को कोई काम उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को, झारखंड में भी 2 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में अनाज प्रत्येक महीना 5 किलो मिल रहा है, तो लोग इत्मीनान है, कहीं भी कोई ये नहीं है।
इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो इस प्रकार की अपोजिशन की ओर से आप कुछ तत्व ऐसे हैं जो देश के विकास को देखना नहीं चाहते हैं, वो लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लोगों को इधर से उधर भड़काने की कोशिश करते हैं ताकि नौजवान भड़क जाए, बाकी लोग भड़क जाए, इसलिए वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग सफल नहीं होंगे। कल्पना सोरेन बीजेपी के लिए कितना बड़ा खतरा है? कल्पना सोरेन बीजेपी क्या ऐसा ऐसा बात आप लोग बोलते सर? कल सराहुल पूजा में एक झांकी निकला था जिसमें हेमंत जी को बोला गया था कि जेल से टूटेगा वो, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, फिलीपींस वाला भी, फिलिस्तीन का भी झंडा फहराया गया। देखिए मैं फिलिस्तीन के झंडा के विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि फिलिस्तीन कोई हमारा कोई दुश्मन देश तो है नहीं। हाँ, अगर कोई हमास का झंडा फहराया हो तो फिर हम उसका जरूर विरोध करेंगे क्योंकि हमास को हम आतंकवादी संगठन मानते हैं। सर जो झांकी में निकला हुआ था, और झांकी में निकला हुआ तो उनके समर्थक लोग होंगे तो निकाले होंगे कि भाई आपको अदालत जाना चाहिए ना, आपको लगता है कि हेमंत सोरेन बेकसूर है तो सड़कों पर करके क्या होने वाला है? आपकी सत्ता है, आपने गड़बड़ किया है। एफआईआर भी हुआ है तो एफआईआर तो होगा ही ना। हम लोग अरे आप कह रहे कि हम लोग की मदद ही होगा, उसमें से कौन लोग आने वाला है? जो भारत माता की जय भी समझ में जिसको नहीं आता है वही नेता आएंगे। जो इस देश के सनातनी को कहता है कि इसको समूल नष्ट कर देंगे, मच्छरों से उसकी तुलना करते हैं, वैसा नेता आएंगे तो देश की जनता देखेगी झारखंड के। राहुल जी आएंगे सर, खड़गे जी आएंगे, ममता जी। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, राहुल जी ही तो समझ में नहीं आता है, भारत माता की जैसे भी उनको आपत्ति होती है। भाई ऐसे नेता को तो आज तक मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। भारत की जय जयकार दुनिया में हो, हर भारतवासी को गर्व अनुभव करता है, गाँव में भी पूछेंगे तो वो भी अपने आप को गर्व महसूस करता है, लेकिन राहुल गांधी है भारत माता की जय, उनको चिढ़ होता है, परेशानी होती है। ऐसा ऐसा नेता इस देश में तो नेतृत्व करेगा तो देश तो कहाँ जाएगा? तो जनता अब उन लोगों को समझ चुकी है, इसलिए वो तो आग पका गया है ना। सर कई लोग जुड़ रहे हैं भाजपा में, कितना फायदा होगा, कितनी मजबूती मिलेगी? बिल्कुल कई लोग जुड़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे रोज लोग जुड़ रहे हैं, बल्कि मेरे पास अब वक्त नहीं है, इतना ढेर आवेदन पड़ा हुआ है कार्यालय में, मैंने कहा कि जब जब मैं रहूंगा उस समय यहाँ बुला लीजिएगा, आप उधर जाएंगे तो उधर ही ज्वाइन करा लीजिएगा। आज जो आए हरदेव जी, राजीव जी, स्वाभाविक है भाई, ये लोग समाज क्षेत्रों में काम किए हुए हैं। राजीव जी मैं जानता हूँ देवघर से, हरदेव जी को भी मैं जान रहा हूँ, इनसे मेरा पहली परिचय, लेकिन चुनाव लड़ी है तो आज पता चला, तो मैं कह सकता हूँ कि लोगों के आने से इनके समर्थक भी पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो पार्टी और मजबूत होगी। ठीक है, और कुछ छूटा है का जी? बोलो। अरे भैया थोड़ा टेंशन नीचे करना यार, फिर वही बात, ऊपर कैमरा है नहीं तो उठा लेते हैं। सब आवाज आ, ऐसे करके Thank you.
भैया इधर घूम जाइए। अरे फोटो तो नहीं खींचा लीजिए। देव जी इधर इधर सर इधर 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 अच्छा इधर घूम जाइए। थोड़ा फोटो हुआ खींचा लीजिए। चलिए बहुत बधाई। बाबूलाल मरांडी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर राजीव रंजन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर देखिएगा थोड़ा इधर देखिएगा। बहुत अरे आगे से उतना मोबाइल ऊपर मत उठाइए। अच्छे भी आदमी इधर घूम जाइए इधर ले ना।